नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को आशा थी कि जीत मिलेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी और 2024 के लिए अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए और मोदी शाह को राहुल गांधी ने पहली बार मध्य प्रदेश में नहले पर दहला फेंक कर चित कर दिया है। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे कि राजनीति में परंपरा है कि हार या जीत का श्रेय दिया जाता है, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो केवल हार का ठीकरा नड्डा के सिर फोड़ती है, बाकी सफलता का जो श्रेय है वो मोदी जी को दिया जाता है। ठीक उसी तरह कांग्रेस हार जीत का पैमाना अपने हिसाब से तय करती है, लेकिन इसमें राज्य के क्षत्रपों का योगदान ज्यादा होता है। राजनीतिक विश्लेषक कई दिन से लिख रहे थे कि कब 3 राज्यों में कांग्रेस हार का ठीकरा फोड़ेगी, और वो दिन आ भी गया और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पर कतर दिए और बताया कि जो आप चाहते थे वो तो हमने किया, लेकिन आप वो नहीं कर पाए जो आपको करना था या फिर जो हम चाहते थे। मतलब साफ है कि आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत नहीं दिलवाई, ऐसे में हम आपको सजा दे रहे हैं। और कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जीतू पटवारी राव विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन राहुल गांधी के खास करीबी जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पाने में सफलता उन्हें मिल गई। इसके साथ ही साथ दिल्ली ने कमलनाथ और दिग्गी राजा को एक झटका दिया, और वो झटका था विपक्ष के नेता पद पर दिग्विजय और कमलनाथ के विरोधी को बैठाना और बताना कि अब आपका कांग्रेस में खेल खत्म हो गया है। ये तो रही कांग्रेस की बात, अब बताते हैं कैसे मोदी शाह के ओबीसी दांव और मिनाड़ की 66 विधानसभा सीटों पर मोदी शाह की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की जीतू पटवारी वाली रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोहन यादव ओबीसी हैं और निमाड़ से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाकर मोदी शाह के अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हां, ओबीसी और निमाड़ दांव पर कांग्रेस ने भी निमाड़ और ओबीसी दांव खेलकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी। जीतू पटवारी ओबीसी हैं और निमाड़ से आते हैं, तो बीजेपी के नहले पर कांग्रेस ने दहला फेंक दिया है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैलियों में जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी रहे, उससे तो कहा जा सकता है कि अब उनको इस बात का फायदा जरूर मिला है। अब देखना होगा कि 2024 में जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें जितवाकर कांग्रेस की झोली में डालते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी शाह की रणनीति को डिकोड करके जो दांव खेला है उससे बीजेपी परेशान है, और उसे लग रहा है कि ओबीसी दांव को कांग्रेस ने ओबीसी दांव खेलकर मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब 2024 में देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और किसकी रणनीति कामयाब होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो दांव को लेकर भोपाल में काफी ज्यादा चर्चा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।